तो हाय गाइस, अभी मैं हूँ मेघालय शिलोंग का ये सबसे फर्स्ट टूरिस्ट प्लेस एलिफेंट फॉल्स, यहाँ पर आया हूँ मैं। सारे 3000 सीढ़ी कैसे चढ़ेगा फिर? जाऊंगा मेरा खाला तो भाई सो हाय गाइस, वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। सो आज हम लोग जा रहे हैं चेरापुंजी, तो टैक्सी बुक हो गया हमारा पूरा वन डे के लिए, बट हमें नहीं पता है कि हम लोग जाए कहाँ रहे, क्योंकि टैक्सी वाले जो भैया है वही बताएंगे। सो बने रहे इस ब्लॉग में और दिखाऊंगा आपको इस ब्लॉग में सब कुछ। सो लेट्स गो। दादा हाँ बोलो। फाइनल हम जा रहे हैं चेरापुंजी। हाँ भाई चेरापुंजी, वहाँ पे तो घूमने का बहुत सारा होगा ना? सारा जाना पड़ेगा ना। तो सबसे पहले भैया हम लोग जाएंगे कहाँ पर? अभी हम लोग जाएंगे पहले एलिफेंट फॉल्स देख के हम लोग चेरापुंजी चला जाएंगे। ये एलिफेंट फॉल्स भी तो चेरापुंजी में है ना? नहीं, ये लोकल साइट सीन का है। लोकल साइट सीन का मेन स्पॉट है एलिफेंट फॉल्स। चार हजार सीढ़ी। ये जगह बोलता है नंगरियाट। नंगरियाट चेरापुंजी नंगरियाट। सो गाइस, अभी रास्ते में कुछ अच्छा व्यू पॉइंट दिखाई दिया, तो अभी हम लोग यहाँ पे उतर गया है। शिलोंग का ये मस्त व्यू पॉइंट है। ड्राइवर भैया को अभी हमने यहाँ पर थोड़ा देर रुकने के लिए बोला, ताकि ये नज़ारा हम थोड़ा सा कैप्चर कर पाए। आगे चलते हैं फिर हम लोग। चलो भाई उतर जाओ। यहाँ से ना आप वेट करेंगे ना भैया? हाँ मैं वेट करूंगा, आप ऊपर नहीं जा रहे। ठीक है भैया। तो आप पहचान? नहीं नहीं का है आपको ये काफी खूबसूरत ये हैंडमेड आपको मिलेगा। पानी तो ले लिया ना? हाँ पानी ले लिया। चलो भाई रुक जाओ भाई। सो गाइस, वेदर बहुत बढ़िया है, काफी मजा आया यहाँ पर आकर। बस नीचे उतरना पड़ेगा। सच में यार गुवाहाटी में टेम्परेचर इतना ज़्यादा है, और यहाँ पर आप देख सकते हो पूरा पेड़ का छांव और ऊपर से इतनी ठंड हवा चल रही है यहाँ पर। और यहाँ पर इतनी ठंड है। हाय गाइस, अभी मैं हूँ
मेघालय शिलोंग का ये सबसे फर्स्ट टूरिस्ट प्लेस एलिफेंट फॉल्स यहाँ पर आया हूँ मैं। आप देख सकते हैं काफी खूबसूरत है यहाँ पर। सो गाइज आप चेरापुंजी में सेवन सिस्टर और ये और भी बहुत सारे जो वाटरफॉल है आप जब भी जाओगे वहाँ पर तो सबसे पहला जो टूरिस्ट प्लेस जो आएगा वो है एलिफेंट फॉल्स। आप एलिफेंट फॉल्स पे आ सकते हो सबसे पहले। सेकंड फॉल्स है भाई यहाँ। चलो भाई सीढ़ी है सीढ़ी है इतना नीचे है अभी हम लोग जा रहे हैं नीचे की ओर। यहाँ पर है सेकेंड वाटरफॉल्स। भाई मेघालय शिलोंग में 100 बढ़कर एक यू नो टूरिस्ट प्लेस है। आप आके एक बार देखना काफी खूबसूरत नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। ये है सेकंड फॉल्स। ये सेकंड फॉल्स है क्या दिख रहा है? थर्ड ये सेकंड फॉल्स है और जो पीछे आपको दिखाई दे रहा है ये थर्ड फॉल्स है। ओ भाई यार गुफा भी है। चलो ना एक बार पहले गुफा जा ले चलते। मजा आ गया। गुफा है चलेगा बाबा रामदेव का गुफा। चलो भाई आगे तुम चलो। अभी सीधा जा रहा है गुफा में भाई। नहीं है बस काफी दरवाजा है यहाँ पे। खोलो खुल जा सिम बोलो खुल जा सिम। सिद्धार्थ और पंकज को इतना मजा आ रहा है यहाँ आकर। बोलो कितना मजा आ रहा है? बहुत ही ज्यादा। ठीक है डोंट क्लाइम ऑन द रॉक। यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो रॉक है चट्टान उसमें चढ़ना मना है। इतना बड़ा बड़ा रॉक है गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो। इतना ऊपर था अब हम पूरा नीचे आ चुका है वाटरफॉल्स को देखने के लिए। ये जो है थर्ड फॉल्स है। चलो उस तरफ देखेंगे। क्या देखेंगे? आप देख रहे हो ये सब यहाँ पे काफी खूबसूरत है बट ये अलग है बोल रहा था। ये देख रहे चट्टानों को देखो यहाँ पे बारिश हो रहा है यार। ये क्या चीज है सीधा देखो अभी यहाँ पे तपस्या बैठना शुरू कर दिया। कितना साल के लिए भाई? कितना साल तपस्या करते करते आपका? वो तो मुझे भी नहीं पता। नहीं अभी शुरू करेगा ये। आपको कैसे पता कि केले दर्द भी है? नहीं जादू शक्ति है मेरे पास। कौन सा जादू शक्ति? ये अभी शुरू करेगा तपस्या। कितना साल के लिए? क्या चाहिए बालक तुझे? मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस अमीर बना दे। पंकज देखो गाइस अभी हो जाऊंगा दो तीन दिन में शायद। ऊपर से पानी टपक रहा है गाइस। आप देख सकते हो काफी लोग आए हुए हैं। अभी सुबह मॉर्निंग का 8 बज रहा है और हम लोग इतने सुबह आ गया क्योंकि हमें बहुत जगह जाना है इसी वजह से।
तो ये हमारा पहला स्पॉट है एलिफेंट फॉल्स। आगे कौन सा जगह जाएंगे हमें कुछ पता नहीं, वो ड्राइवर भैया बताएंगे। तो गाइस अभी दावा भैया रील्स बना रहे, दावा भैया यहाँ पे है। कौन सा वाला? ये छोटा वाला भाई ना, ये फोर्ट है, फोर्ट। क्या बात कर रहा है? ये चार नंबर वाला, इसका नीट एंड क्लीन है। हाँ ये सिद्धार्थ ने आविष्कार किया है। फोर्ट, फोर्ट, फोर्ट। और पॉल विश्वास नहीं कर रहा ना हमारा, वहाँ पे ऐसा वाला बिल्कुल है। लेकिन यहाँ पे देखो हम लोग का वहाँ पे कैसा है, हमारे वहाँ पे इतना बड़ा बड़ा चट्टान नहीं है ना। हाँ वो तो है, इससे छोटा है लेकिन चट्टान तो हमारे वहाँ ऐसा हमारे वहाँ ये देखिए ये हमारे वहाँ ये पेड़ भी नहीं है। तो गाइस अभी दावा भैया लोग सब ऊपर जा रहे हैं, हम भी जाएंगे ऊपर, चलिए चलते। अरे हो कितना स्पीड जा रहे हो, सीढ़ी का डिस्टेंस में नीचे तो आ गया था, अभी ऊपर जाना है। ऊपर जाते जाते अभी थकान महसूस होगा क्योंकि ऊंचाई ज्यादा है, इसीलिए तो गाइस हम लोग ऊपर पहुंच चुके हैं। ऊपर पहुंचते पहुंचते हमारा पाँव सब दर्द कर रहा है, अभी थोड़ा थकानी भी महसूस हुआ है। ये जो चिड़िया है ना, इसका ऊपर चढ़ने में मेरा हवा टाइट हो रहा है। तो सोचो साढ़े 3,000 सीढ़ी कैसे चढ़ेगा, फिर जाऊंगा तो मेरा हालात तो भाई तो अरे गिरेगा नहीं तो, अगर अगर दावा भैया 3,500 वो सीढ़ी चढ़ेगा ना तो उतरते उतरते वो शायद थोड़ा पतला भी हो सकता है कि नहीं। चलो चलो गाइस गाइस साथ में यार सीढ़िया बहुत है यहाँ पे, पता नहीं काउंटिंग तो नहीं किया, ऊपर चढ़ने में हवा टाइट हो रहा है हमारा। तो जा रहा है सिद्धार्थ, पंकज भाई और ड्राइवर भैया हमारे लिए वेट कर रहे हैं वहाँ पे। अभी हम लोग नेक्स्ट स्पॉट जाएंगे। मैंने बोला था ना हैंकी साथ में लेके आना चाहिए था, ये पसीना पसीना हो गया, गर्म लग रहे हैं। तो गाइस काफी थक गए हम लोग, गर्म लग रहा है अभी, आने वक्त में तो ठंडा लग रहा था, अभी पीना पड़ेगा। हाँ, गला भी सूख गया है, गर्म काफी थक गया है सच में यार। यहाँ पर एलिफेंट फॉल्स में 1 टायर 2 टायर एंड 3 टायर वाटरफॉल्स है। यहाँ जो फॉल्स को देखने में काफी मजा आया हम लोगों को, मजा तो आया, बहुत थक गया, अभी थक गया अभी हूँ। सो गाइस अब मैं ब्लॉग को यहीं एंड कर रहा हूँ। आई होप गाइस आपको ब्लॉग पसंद आया होगा, अगर पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।